यार कैसे आप सभी लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम खेलने वाले अपनी सुपर मार्केट सिमुलेटर एंड वो भी एंड्रॉइड में। हाँ गाइस अपने एंड्रॉइड में खेलने वाले एंड गाइस वो गेम एकदम सुपर मार्केट सिमुलेटर उसी वाली जैसी है। आपको कोई भी कॉपी गेम नहीं, कोई भी ऐसी वैसी गेम नहीं, आपको एकदम सुपर मार्केट सिमुलेटर जैसी गेम मिलेगी अपने एंड्रॉइड में। एंड गाइस ये गेम आप ऑफिशियली भी बोल सकते हो, ये गेम ऑफिशियली नहीं है वैसे तो, ये गेम फैन मेड है, लेकिन गाइस ये गेम एकदम पीसी जैसी सुपर मार्केट जैसी बनाई है इस वाले डेवलपर ने। तो गाइस यार फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते अपने गेम के अंदर एंड देखते हैं कि अपनी गेम कैसे होने वाली। तो गाइस यार हम आ गए अपनी गेम के अंदर एंड आप भी देख ही सकते हो कि ये सुपर मार्केट सिमुलेटर कैसी लग रही है, एकदम सेम टू सेम अपने पीसी वाली जैसी लग रही है। एंड इसमें जो अपना पैसे का जो बार होता है एंड ट्यूटोरियल बार होता है वो सारी चीजें पीसी वाली जैसी है। अभी जाते हैं स्टोर के अंदर एंड बाहर का माहौल भी आप देख सकते हो, जैसे भी अपने पीसी वाले में बाहर का माहौल है, बाहर का जो एनवायरमेंट है वो सारी चीजें इस गेम में अभी स्टार्टिंग से इन लोगों ने कारवार सारी चीजें ऐड कर दी है। तो ये देख ही सकते हो आप क्या ही गेम लग रही है, एकदम सेम टू सेम पीसी वाली गेम जैसी लग रही है। चलते अपने स्टोर के अंदर एंड सबसे पहले तो अपने को ट्यूटोरियल करना है एंड मुझे क्या करना है सारी चीजें मंगवानी है। एंड गाइस अभी आप देख ही सकते हो इसमें कंप्यूटर भी सेम टू सेम अपने पीसी वाली गेम जैसा है ट्यूटोरियल। ओके इसमें टच वाला सिस्टम है तो सबसे पहले तो मुझे जाना है एंड कुछ चीजें ऑर्डर करनी है। तो ओके सारी ऑर्डर सिस्टम है, जो कोई भी सारी चीजें अपने पीसी में वो सारे प्रोडक्ट इन लोगों ने यहाँ पर ऐड कर रखी है, सेम टू सेम ऐड है मेरे पास 50 रुपए। तो कम कम चीजें करते हैं ठीक है, कम कम पैसों वाली चीजें मंगवाते हैं अभी के अभी इनफ है इतना। तो हमें 44 रुपीज का हमें मंगवा लिया है एंड देखते हैं बाहर जाकर सारी चीजें कैसे आती है, अपने जो पीसी वाले में होती है वैसे ही आती है कि नहीं आती। एंड गाइस आप देख ही सकते हो जैसे ही अपने पीसी में सारे बॉक्सेस आते हैं वैसे ही मतलब कि आ गए एंड इसको इधर से टच करके उठाते हैं एंड सारी चीजें इधर फील करते हैं यार बैक टू बैक, मतलब कि एकदम पीसी वाली वाइब आ रही है इस गेम में। एंड ओके मैंने फेंक दिया, इसको वापस से उठाओ मेरे भाई, वापस से उठाओ। ओके इसको करना है ओपन। ओके गाइस ऐसे हम प्रोडक्ट रखते थे अपने सेल्फ पर, सारी प्रोडक्ट फटाफट से मैं लाता हूं एंड अभी तो स्टोर में ओपन नहीं करूंगा। अभी यार डस्टबिन किधर है? ओके तो इसको डालते थे डस्टबिन में, फटाफट से डाल दे डस्टबिन में चला गया। अपने सेकंड प्रोडक्ट लाकर रखते अपने सेल्फ में, देखते हैं कि इसकी प्राइस सेटिंग कैसी है ठीक है, मतलब कि अपने पीसी में जैसे प्राइस। ओके इसमें भी प्राइस सेम ही लग रहा है मुझे, इसमें भी सेम ही प्राइस लग रहा है। तो फटाफट से सारे प्रोडक्ट रखते हैं, ये तेल वेल सारा कुछ चीजें हम सेल्फ में रखते थे एंड फटाफट से चलते हैं, इसको भी डालते हैं अपने डस्टबिन में, मतलब कि अपने स्टोर के डस्टबिन में। चलो इधर से फेंको इसको एंड लेते हैं अपनी थर्ड आइटम एंड फटाफट से चलते हैं, इसको रखते इधर सेल्फ पे। वैसे तो सारी चीजें मुझे बहुत बढ़िया लगी, मतलब कि ये सारी प्रोडक्ट है वो सारी प्रोडक्ट पीसी में है ठीक है। मैंने पीसी वाली सुपर मार्केट सिम्युलेटर खेल रखी है, सिर्फ डस्टबिन इन्होंने इस साइड पर रखा है, लेकिन सारे कुछ चीजें डिटो कॉपी है अपने सुपर मार्केट सिम्युलेटर जैसी ही। तो इसको भी करते हैं इधर एंड इसको भी रख देते इधर। ये टोस्ट है आई थिंक, टोस्ट नहीं, टोस्ट नहीं सॉरी, वो ब्रेड होता है ना, ये ब्रेड है। तो इसको भी डालते इसके अंदर बॉक्स में। ओके जाओ बॉक्स एंड फटाफट से चलते हैं, सारी चीजों के प्राइस सेट करते हैं हम। सबसे पहले तो मुझे इसका प्राइस सेट करना है, तो मैंने लिया था 99 रुपीज में, तो मैं क्या करता हूँ अभी इसको करता हूँ सीधा 3 रुपए में ठीक है। 3 रुपए में आई थिंक हो जाना चाहिए, 2 रुपया मेरा प्रॉफिट है। वैसे तो अभी कम कम हो सकता है, आई थिंक ज्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ओके ये 12 रुपए का मैंने लिया, तो इधर से प्राइस सेट करना क्या एवरेज। ओके ओके आई थिंक एवरेज प्राइस है क्या, एवरेज में 12 रख सकता हूँ क्या, इसका रखते हैं 9 रुपए ठीक है, 9 रुपए रखते हैं, 7 रुपए मैंने इसको प्रॉफिट मारा। देखते हैं कि अपना प्रॉफिट अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है कि नहीं होता। 8 रुपए आई थिंक 8 रुपए। ओके जो साइड में दिखा रहा है वो मैक्स प्राइस मुझे लगता है दिखा रहा है, ये लोग जो साइड में दिखा रहा है वो मैक्स प्राइस दिखा रहा है, तो मैं थोड़े मैक्स से थोड़ा कम ही रखता हूँ। इसमें 9 कर देते हैं एंड इसमें कर देते हैं 7 रुपए ठीक है, ज्यादा भी लालच नहीं अच्छा है। एंड इसमें 12 रुपए थे तो 9 कर दिया, इसमें 8 रुपए थे तो मैंने 3 कर दिया, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते यार, मतलब कि ज्यादा 4 रुपए ही मैंने कर क्या थोड़ा सा बढ़ा है। एंड ये रहा अपना शॉप एंड फटाक से करते हैं अपने शॉप को ओपन एंड वेट फॉर द फर्स्ट कस्टमर। एंड गाइस यार फाइनली अपना फर्स्ट कस्टमर भी अपने स्टोर पर आ गया है, तो चलते हैं स्टोर के अंदर। एंड ये रही लेडी लेकर आई सबसे सस्ती चीजें लेकर आई, वाओ सबसे अपने स्टोर में जो कोई भी सस्ती चीज थी। ओके टू एक्सपेंसिव तो मुझे लगा ही था। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ सारी चीज़ों के प्राइस सेट करता हूँ। आई थिंक ये वैसे तो ले जाएगी, लेकिन इतना भी ज़्यादा अपने को प्राइस नहीं चढ़ा कर रखना चाहिए यार, हम ज़्यादा लूटते नहीं है पब्लिक को, तो इसीलिए फटाफट से मैं क्या करता हूँ अपने प्राइस थोड़ा सेट कर देता हूँ। तीन चार रुपये हम प्रॉफिट मारेंगे, ज़्यादा नहीं मारेंगे, लालच बुरी बला होता है इसीलिए। तो फटाफट से करते हैं इसको भी 6 रुपए प्रॉफिट एंड 7 रुपए। ओके डन है। एंड गाइस यार सेम सिस्टम अपने पीसी में, अभी देखते हैं ये सारे चीजें ले जाते हैं कि नहीं ले जाते। ओके एक्सपेंसिव कोई नहीं बोल रहा तो अच्छा है। एंड इसको उठाते हैं एंड ये नहीं पैसे ले लेते हैं फटाक से। एंड रुको अभी इसको 96 लेना है, अभी थोड़े ग्राफिक कम है इस गेम में ठीक है, मतलब थोड़े नहीं बहुत कम है ग्राफिक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी गेम के मुताबिक अभी स्टार्टिंग में आए तो गेम अच्छा है एंड बहुत अच्छा कहूंगा इस गेम को, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में इस गेम को बना दिया एकदम कॉपी। ओके एंटर कर दिया, इसको कर देते हैं एंड इसको भी ले लेते हैं फटाक से कार्ड। ओके कार्ड स्वाइप आ गया है तो मुझे कितना पैसा। ओके 4 रुपए तो इसको करते हैं 4 रुपए एंड चलो अंकल जी तुम्हारा भी। अरे पास्ता तुमको एक्सपेंसिव लग रहा है क्या, पास्ता एक्सपेंसिव लग रहा है क्या,
रुको अभी कितना पैसा देना है तुमको, 00 रुपीज। ओके अभी इधर 8 रुपए। ओके उन्होंने काट दिया क्या, उसने काट दिया क्या, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये अपनी रही लास्ट कस्टमर है, इसके ग्राफिक थोड़े से लो, थोड़े से नहीं मतलब कि बहुत ही लो लग रहे हैं मुझे, तो इसको देना है 00। निकल अबे। तो गाइस यार आप ये गेम देख ही सकते हो कितनी कॉपी लग रही है अपने पीसी वाले गेम जैसे। एंड गाइस इसमें अभी ग्राफिक थोड़े कम है, लेकिन गाइस इन फ्यूचर इस गेम में ग्राफिक और भी तगड़े कर देंगे ये डेवलपर। तो गाइस यार आज की वीडियो यही तक, आई होप कि आपको आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।